हेलो एवरीवन द कॉमर्स प्रोफेसर में आप सभी का स्वागत है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कंज्यूमर बाइंग मोटिव्स क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स इससे पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर की दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और क्यों जरूरी है इसको समझना उसके बाद हमने पढ़ा था कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाइंग मोटिव क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो प्रोडक्ट परचेज करता है उसके पीछे क्या रीजन होता है क्या मोटिव होता है उसको ही हम कहते हैं कंज्यूमर बाइंग मोटिव फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है जो साड़ी परचेज कर रही है तो उसके पीछे उसका क्या मोटिव है कि वो सुंदर दिखे या फिर वो स्टेटस सिंबल दिखाना चाहती है कि मैं एक महंगी साड़ी डालू जिसे मेरा स्टेटस हाई शो हो तो इसको ही हम बाइंग मोटिव कहते हैं कि कौन कौन से मोटिव होते हैं जिसकी वजह से एक कंज्यूमर परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज बाइंग मोटिव एक स्ट्रॉग फीलिंग डिजायर और इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से बायर डिसीजन लेते हैं टू बाय प्रोडक्ट सो so, आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं बाइंग मोटिव इन कंज्यूमर बिहेवियर आर द रीजन वाई पीपल डिसाइड टू परचेज ए प्रोडक्ट और सर्विस बाइंग मोटिव रीजन होते हैं जिसकी वजह से पीपल डिसाइड करते हैं परचेज करने का गुड्स और सर्विसेज को दिस मोटिव कैन रेंज फ्रॉम बेसिक नीड्स

उनके प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में जिससे वो कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट से मीट कर सके इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि मोटिव इज फीलिंग डिजायर और इमोशन डेट मेक्स द बायर टू बाय बा प्रोडक्ट सो हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि बाइंग मोटिव स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है डिजायर होती है और इमोशन होते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर बाय करते हैं किसी प्रोडक्ट को सो so, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव सो so, सबसे पहले आते हैं इमोशनल मोटिव्स ये वो मोटिव्स होते हैं जिसमें बायर परचेज है गुड्स को बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे इसमें वो अपने दिल की फीलिंग से परचेज करता है मतलब मान लो आपको कोई चीज पसंद आ गई तो आप ज्यादा सोचोगे नहीं बस आपने वो चीज लेनी है तो लेनी है तो ये इमोशनल मोटिव होता है जिसमें हम बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे बाइंग डिसीजन लेते हैं दिस मोटिव्स आर बेस्ड ऑन फीलिंग्स डिजायर्स एंड इमोशंस People make purchasing decisions because they want to experience certain emotions such as happiness, excitement or confidence. लोग purchasing decision लेते हैं क्योंकि उन्हें experience करना होता है कुछ emotions को जैसे कि happiness, excitement और confidence. अब आपको कोई चीज पसंद है आप वो चीज लोगे तो जाहिर सी बात है आपको खुशी मिलेगी excitement होगी तो इसमें यही कहना चाहता है कि इमोशनल मोटिव्स वो होते हैं जिसमें आप बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे अपने दिल की फीलिंग से चीज लेते हैं जो आपको खुशी दे सेटिस्फैक्शन दे एक्साइटमेंट दे एक्सेप्ट्रा फॉर एग्जाम्पल आप एक लग्जरी आइटम खरीद रहे हो क्यों क्योंकि वो आपको कंफर्ट फील करवाएगी वो आपका हाई स्टेटस वो करने में हेल्प करेगी तो यही होते हैं इमोशनल मोटिव्स जिसमें हम ज्यादा कुछ सोचे समझे अपने दिल की फीलिंग से प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद आते हैं रैशनल मोटिव्स ये इमोशनल मोटिव्स के बिल्कुल उल्टे है इसमें हम माइंड से सोच समझ के कोई चीज परचेज करते हैं जब एक बायर डिसाइड करता है बाय करने का केयरफुली और लॉजिकल थिंकिंग से तो उसका डिसीजन को हम कहते हैं रैशनल डिसीजन रैशनल मोटिव बेस्ड ऑफ देयर लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे पीपल मेक परचेजिंग डिसीजन बिकॉज दे बिलीव इट इज द मोस्ट सेंसिबल और लॉजिकल चॉइस पीपल परचेजिंग डिसीजन करते हैं ये सोच के कि यह मोस्ट सेंसिबल है और लॉजिकल चॉइस है इसमें हम कुछ फैक्टर कंसीडर करते हैं जैसे कि प्रोडक्ट प्राइस क्वालिटी फंक्शनैलिटी एंड यूटिलिटी और ये सब देखिए हम परचेजिंग डिसीजन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप एक कार लोगे क्योंकि उसमें गुड फ्यूल एफिशियंसी है मतलब एवरेज अच्छी दे रही है और सेफ्टी फीचर्स भी है अब आप अपना एग्जाम्पल हो कि आपने कार लेनी है तो आप सीधा तो कार के शोरूम में जाके ले नहीं आओगे उससे पहले आप कार के फीचर्स देखेंगे प्राइस देखेंगे क्वालिटी देखेंगे और फिर सोच समझ के बाइंग डिसीजन लेंगे तो इसे ही हम रेशनल मोटिव्स कहते हैं जिसमें सोच समझ के डिसीजन लिए जाते हैं उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट मोटिव प्रोडक्ट में हम प्रोडक्ट के फीचर्स एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट देख के वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदने तो हम उसके स्पेसिफिक फीचर्स देखेंगे कि उसमें क्या फीचर्स है बेनिफिट्स देखेंगे कि उससे हमें क्या बेनिफिट्स होगा तो इसे ही हम प्रोडक्ट मोटिव्स कहते हैं कि प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स देख के किसी चीज को परचेज करना पीपल मेक बिकॉज दे आर टू द सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट सच डिजाइन परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी और कन्वीनियंस मतलब कि इसमें परचेजिंग डिसीजन लिया जाता है प्रोडक्ट के डिजाइन परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी और कन्वीनियंस देखे फॉर एग्जाम्पल आपने एक मोबाइल बाय करना है तो आप क्या देखेंगे कि उसका हाई क्वालिटी कैमरा होना चाहिए स्टोरेज अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और भी बहुत फीचर्स जो आपको बेनिफिट्स बेनिफिट मोटिव प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स देख के किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और लास्ट है हमारा पेट्रोनेज मोटिव्स ये वो मोटिव होते हैं जिसकी वजह से बायर कोई स्पेसिफिक कंपनी या रिटेलर का ही प्रोडक्ट लेना पसंद करता है ये बेस्ड होते हैबिट विद पर्टिकुलर ब्रांड स्टोर और सेलर मतलब पेट्रोनेज मोटिव में एक बंदा स्पेसिफिक बायर रिटेलर या फिर स्पेसिफिक कंपनी से ही प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं ये हो सकता है क्योंकि उसको उसके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हो फॉर एग्जांपल कोई लोग होते हैं जो सिर्फ एक कंपनी के मोबाइल फोन्स खरीदना पसंद करते हैं जैसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ एप्पल के फोन ही यूज करते हैं बहुत होते हैं जो सिर्फ वन प्लस के फोन यूज़ करते हैं तो इसमें यही कह रहा है कि एक बंदा प्रेफर करता है किसी स्पेसिफिक सेलर को रिटेलर को या किसी स्पेसिफिक ब्रांड को कि वो उसी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा या किसी स्पेसिफिक रिटेलर या सेलर से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। ब्रांड और पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इसमें वो परचेजिंग डिसीजन लेते हैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड और रिटेलर से परचेज करने का क्योंकि उन्हें उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे ट्रस्ट है या फिर उनका पॉजिटिव रिलेशन है किसी सेलर और रिटेलर के साथ फॉर एग्जाम्पल आपको किसी स्पेसिफिक कैफे की कॉफी पसंद आती है क्योंकि उनका atmosphere अच्छा है जैसे आपको चाहिए और उनकी कॉफी भी अच्छी मिलती है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कपड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड के कपड़े डालना पसंद करते हो तो पैटर्न मोटिव यही है कि जब कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक रिटेलर या सेलर से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करे या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड की चीजें खरीदना पसंद करे तो ये हमारे थे फोर मोटिव जो की थे इमोशनल मोटिव जिसमें हम ज़्यादा कुछ सोचते समझते नहीं बस दिल की फीलिंग से प्रोडक्ट लेते हैं हमें कुछ अच्छा लगे तो वो हम खरीद लेते हैं उसके बाद आता है रैशनल मोटिव जिसमें हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं जैसे कि हमने कार का एग्जांपल लिया था कि अगर आपने कार खरीदनी है तो आप अच्छे से उसके फीचर्स देखेंगे एवरेज देखेंगे क्वालिटी देखेंगे ब्रांड देखेंगे और सोच समझ के अपना डिसीजन लेंगे उसके बाद आता है प्रोडक्ट मोटिव प्रोडक्ट मोटिव में वो प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट्स एट्रीब्यूट्स देख के प्रोडक्ट परचेज करेगा

और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना